नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो हाल ही में हमने एक सीरीज शुरू की है, आपकी कुंडली में कुछ महके हुए से राज हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस शख्सियत से आपकी भेंट करवाने वाले हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, ड्रोन्स, ड्राइवरलेस कार्स के इनोवेशन और कमर्शियलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हर वर्ष ऐसे टेक्निकल रिसर्चर्स जो 35 वर्ष से कम के हैं उनकी एक लिस्ट निकालती है, जिनमें बड़े बड़े नाम जैसे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और एलन मस्क जैसी हस्तियां शामिल होती हैं। और इसी लिस्ट में शामिल हैं भारत के श्री आकाश सिन्हा जी। गौरतलब ये है कि MIT ने ये अवार्ड आकाश सिन्हा जी को तब नहीं दिया जब वो US में काम कर रहे थे, जबकि आकाश सिन्हा जी भारत आकर अपने रिसर्च के काम को आगे बढ़ाया तो इनके काम से प्रभावित होकर MIT ने उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा। इसके अलावा भारत के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये बहुत बार पुरस्कृत हो चुके हैं। ड्राइवरलेस कार्स के प्रेस्टीजियस डार्पा रोबोटिक्स ग्रैंड चैलेंज के फाइनलिस्ट मेडल के विजेता रहे हैं। आपने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से स्नातक की डिग्री हासिल की है और आपने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस और रोबोटिक्स में अमेरिका के कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से किया है। आपने बिजनेस डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन का कोर्स स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से किया। वर्तमान में आप शिव नादर यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आवर वेरी ओन श्री आकाश सिन्हा जी। नमस्कार आकाश सिन्हा जी, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर आए मेरे चैनल पे इस बातचीत के लिए, मैं आपकी बहुत हृदय से आभारी हूँ। बातचीत की शुरुआत करूँ उसके पहले मैं आपसे बताना चाहूंगी कि चंद्रयान अब बहुत जल्दी लैंड होने वाला है, चांद की सतह को छूने की ललक से वो आगे बढ़ रहा है और इस बार भारतीय वैज्ञानिक काफी आश्वस्त हैं कि ये मिशन बहुत सफलतापूर्वक पूरी की जाएगी। इस मिशन को आप बताइए कि चंद्रयान 1, 2 या 3 आपका क्या संबंध है और आप इस मिशन से कैसे जुड़े हुए हैं? चंद्रयान मिशन से हम लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं जी। और चंद्रयान 1 जब मिशन था जी, तो आपको पता होगा वो मिशन सिर्फ एक ऑर्बिटर मिशन था। ओके। हालांकि ऑर्बिटर के अलावा हमने एक फ्लैग के साथ मून पे हिट किया था विद इंडियन फ्लैग जी। पर चंद्रयान 1 मिशन की सबसे खास बात यह थी कि 50 साल से हम लोग मून पे जा रहे हैं जी, नासा जा रही है और भी कंट्रीज, रशिया ने भी किया, लेकिन भारत का चंद्रयान मिशन है जिसने मून पे पानी खोजा, तो ये मेरे ख्याल से सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है जी। और हमारे लिए भी गर्व की बात थी क्योंकि चंद्रयान मिशन में एक बहुत क्रिटिकल पार्ट था जी। उसके ऑर्बिटर का लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन समझे तो GPS, पर चांद का तो GPS है ना, वहां कोई सैटेलाइट है, तो वहां पे एक खास तरह से लोकलाइजेशन करनी पड़ती है। अच्छा। चांद की ओर देख के और अपना ही स्पीड एक्सेलरेशन नाप के जी। तो उस लोकलाइजेशन का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो हमारी टीम ने बनाया था। तो ये हमारा चंद्रयान 1 से था जुड़ाव। फिर जब चंद्रयान 2 आया तो उसका जो रोवर है, जो रोबोटिक रोवर है जिसे प्रज्ञान बोलते हैं, टॉय कार के जैसा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, छोटी सी गाड़ी टॉय कार के शेप की जो वहां लैंडिंग के बाद उतरेगी जी, चांद की सैर करना चाहेंगे छोटी सी गाड़ी में। तो बस यूं समझिए कि चांद की सैर के लिए एक छोटी सी गाड़ी है जी। पर उस गाड़ी पे इंसान नहीं बैठ सकता है, पर हाँ कोई छोटी सी गुड़िया जरूर बैठ सकती है जी। तो अब उस रोवर के लिए जो नेविगेशन का जो सॉफ्टवेयर था वो हमारी टीम ने लिखा। अच्छा। वहां पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि चांद पे अगर आपको अच्छे से 3D में नेविगेट करना है तो या तो बहुत महंगे सेंसर लगाइए और या आप सिर्फ दो आंखें लगे, जैसे हमारी दो आंखें जिसको हम स्टीरियो कैमरा कहते हैं,
ओके। और चंद्रयान रोवर में जो स्टीरियो कैमरा है वो दो फोटोज लेता है और उससे 3D बनाता है। ओके। तो अब उस 3D को बनाने के लिए हमें दो फोटो चांद से डाउनलोड करनी पड़ती है। ठीक। अब आप बताइए कि डाउनलोड स्पीड क्या है? आपके घर में क्या है डाउनलोड स्पीड? 60 Mbps। तो खैर चांद पे वो नहीं है। हाँ। चांद पे हमें दो इमेज डाउनलोड करने 10 मिनट लग जाते हैं, शायद 1 kbps जैसी स्पीड होगी। तो किसी में भी किसी टाइम में वहां पे भी होगा 100 mbps कनेक्शन, पर अभी वो दिन दूर है। तो अभी हमने ये सोचा कि क्यों ना हम चांद पे ही इमेज को प्रोसेस कर लें। अच्छा। सिर्फ पहली बार दो इमेजेस डाउनलोड होंगी, ठीक है, उसके बाद अर्थ पे ही हम 3D मॉडल बना देंगे। ओके। और उसी 3D मॉडल की मदद से रोवर नेविगेट हुआ और हम सिमुलेशन में यहाँ पे भी देख सकेंगे रोवर कहाँ जा रहा है। अच्छा। एक बार मॉडल बन गया उसके बाद हमें कोई इमेज डाउनलोड करनी नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से इसरो इनोवेट करता है और इसी तरीके से इसलिए उसके मिशन इतने एफिशिएंट रहते हैं। चंद्रयान 3 में और 2 में सेम ही प्रज्ञान रोवर जा रहा है, तो उसी प्रज्ञान का सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इसमें भी जा रहा है। तो पिछली बार तो रोवर बाहर नहीं आ पाया था, बेचारा वेट करता रहा, लैंडिंग ही सफल नहीं हो पाई। हाँ, बट इस बार हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट है वो बाहर आएगा। हाँ। और रोवर हमें चांद की सर कराएगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। आपके दिल की धड़कन क्या बताती है आकाश जी? आप रात में चैन की नींद सो पा रहे हैं या चंद्रयान के जैसे ही वो आपका सुकून चांद की तरफ ही बस बढ़ा चला जा रहा है? ये तो आपको पता ही होगा कि चांद का तो दिल से गहरा मामला है। जी जी जी। पर आजकल शाम में मैं जरूर बालकनी में बैठ के चांद को देख रहा होता हूँ, कई बार घंटों जी, और कई बार बस सोच ही रहा होता हूँ कि शायद हाँ। हमारे भी दिल का एक टुकड़ा वहां पे जा रहा है। बहुत अच्छी बात। तो पर हाँ, कॉन्फिडेंस पूरा है हमें इस बार जी, और जरूरी हम सफल होंगे। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आकाश जी के घर में एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप है जिससे वो जुपिटर और वीनस जैसे प्लैनेट्स को देखते रहते हैं, और उसकी भी एक झलकी मैं अभी दर्शकों को दिखाऊंगी। तो आकाश जी, चूंकि हमारा ये एस्ट्रोलॉजी का एक चैनल है और इसमें जैसे आपने इस जिस जज्बे और जिस एंथुजियाज्म के साथ आपने बातें की और खगोल के लिए जो आपकी ललक है, आपका जो उत्साह है, ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी। मैं अभी आकाश जी की कुंडली को दिखा रही हूँ। आप देखिए, इनके एसेंडेंट लॉर्ड मर्करी हैं और वो सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं और ये इनको एक बहुत ही जिंदादिल इंसान बनाते हैं। जॉयस और सॉरोस हम सबकी लाइफ में होती हैं, फ्रस्ट्रेशंस, डिलेज, लेकिन किसी की लाइफ इन सब चीजों से अछूती नहीं है। फिर भी आकाश जी की लाइफ में ये सारे संघर्ष और चैलेंजेस के बावजूद वो एक बहुत ही हंसमुख इंसान है। इस बातचीत के दौरान आप बहुत बार उनके इस व्यक्तित्व की खासियत को आप देखेंगे। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जेमिनाई इनकी राइजिंग साइन है, तो मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जिसके लोग बहुत बचपना, बहुत फुल ऑफ लाइफ, एंथुजियाज्म, उत्साह और एक नई चीजों को एक्सप्लोर करने की ललक रहती है, जो आकाश जी में 100% सत्य पाई जाती है। बातचीत का सिलसिला मैं आगे बढ़ाऊं, इसके बारे में मैं पूछूंगी आकाश जी कि चंद्रयान मिशन क्या है? अगर इसको सीधे सरल शब्दों में बताएं, हम अगर चांद पे पहुंच ही गए तो क्या करेंगे? हवन करेंगे। देखिए, चांद पे पहुंचने का सीधा सा मकसद ये है जी, एक तो चांद हमारा सबसे पास का पड़ोसी है। हाँ। और आप देखिए, कुछ हजारों साल पहले या कुछ सौ ही साल पहले लोग बस अपने अपनी जगह, अपने अपने गांव, अपने अपने देश रहते थे जी। फिर कुछ लोगों ने एक्सप्लोरेशन शुरू किया। और वैसे तो अगर हमारे एंशियंट टेक्स्ट में देखें तो बहुत पुराने टाइम से भी एक्सप्लोरेशन चल रहा है जी। पर एक्सप्लोरेशन होता था, लोगों ने नए आइलैंड ढूंढे, नए कॉन्टिनेंट ढूंढे, वहां जाके भी रहने लगे जी। और ये प्रोग्रेशन है ह्यूमैनिटी का जो कि बढ़ेगा आगे। उसी तरह से हम किसी दिन हम चांद पे भी कॉलोनी होगी, मार्स पे भी होगी, दूसरे तारामंडलों में भी होगी, दूसरी गैलेक्सीज में भी होगी, वो दिन भी आएगा। और ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो अभी तो हम इसके बहुत छोटे से ही टुकड़े हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान के अंदर एक ये जिज्ञासा भी और एक इच्छा भी है कि हम जहां पे हैं वहां से और एक्सपैंड करके देखें कहां तक जा सकते हैं और इस ब्रह्मांड में और क्या है। बिल्कुल,
इंसान की फितरत होती है कि वो उसके दिमाग उसकी सोच हमेशा एक्सपैंड करती है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती है, नई पॉसिबिलिटीज को ढूंढना चाहती है। बहुत अच्छी बात बताई आकाश जी। एक मैं जैसे आपकी कुंडली पे स्टडी कर रही थी तो मैंने देखा आपके 10th हाउस में केतु है, जो बताते हैं कि जॉब एंड प्रोफेशन में एक डिस्कनेक्ट, अगर आप किसी के मातहत काम करें, किसी के सबॉर्डिनेशन में काम करें तो वो नौकरी या तो आप छोड़ देते हैं या छूट जाती है, इस तरह की बात है। आप जब अपने बॉस खुद होते हैं तो आप अपने लाइफ में सबसे ज्यादा सफल होते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, क्या ऐसी बात है तो आप दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। कुछ हद तक ये बात सही है। मैंने यूएस में की थी नौकरी जी, और मुझे बस ये लग रहा था कि जिस लेवल पे मैं क्रिएशन कर सकता हूँ या जिस लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ वो नौकरी में उस फ्रीडम से नहीं हो पा रहा था, और ये अलग अलग विचारों की बात है। और इसीलिए एक टाइम था जब 2007 में मैंने यूएस में, मैं मेरी वाइफ हम दोनों की 1 करोड़ से ऊपर की नौकरी थी, पर एक समय आया जब मुझे लगा कि शायद यहाँ पे पूरी लाइफ नहीं बिताई जा सकती। आपको लगता है कि नहीं शायद हमें लाइफ इस तरीके से नहीं बितानी। और तो इसलिए जब हम इंडिया आए तो फिर मुझे लगा कि अब मैं अपने इच्छा के अनुसार कुछ क्रिएशन करूं। तो चंद्रयान मिशन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आपने एग्जीक्यूट किया। हाँ। तो ये बात सही है, और मैं बस ये कहना चाहूंगा कि लाइफ में कई बार ऐसे डिस्कनेक्ट आते हैं जी। जैसे कि मैं अपने करियर के टॉप पे जाके उस करियर को छोड़ के मैंने फिर स्क्रैच से बिल्ड किया अपना करियर इंडिया में, और ये किया जा सकता है। और अगर आपको लाइफ में लगे कि यही सच है और यही सही है करना तो जरूर करिए। वो डिसीजन आपको एक मोमेंट के लिए टफ लगेगा लेकिन बाद में आपको उसका कोई रिग्रेट। आपके लिए बहुत आसान होगा आकाश जी क्योंकि आपके लग्न में सूर्य है और ये एक इतनी अच्छी स्थिति होती है कि मैं जब भी किसी बर्थ चार्ट को एनालाइज करती हूँ तो लग्न में सूर्य आपको एक अलग तरह के सेल्फ कॉन्फिडेंस को देते हैं, और जो एक हेजिटेशन होता है किसी नई चीज को, किसी नई न्यू टेरिटरी पे जो एक्सप्लोर करने में जो झिझक होती है वो बिल्कुल नहीं होता है अगर सूर्य लग्न में हो। ये एक गजब का, और आपके अंतरात्मा की आवाज आप जब जब सुनेंगे लाइफ में, जब भी दुविधा हो तो आप अपने अंदर की आवाज को सुने, वो आपका बिल्कुल सही रास्ता दिखाएगा। लग्न में सूर्य को हम ऐसे करते हैं। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगी आकाश जी कि अपोलो 11 को 4 दिन में हमने सुना कि वो चांद पे पहुंच गया, और हमारा चंद्रयान बिल्कुल कछुए की चाल से 40-41 दिन में पहुंचेगा, तो ये ऐसा क्यों होता है आप मुझे मेरे दर्शकों को बताइए। ये तो थोड़ा इंडियन पार्टीज का हिसाब है, वहां पे यूएस में शादी हो जाती है 2 घंटे में, हमारे यहाँ तो 5-6 दिन का कार्यक्रम चलता है। बिल्कुल सही बात है, डाइवोर्स भी हो जाता है 4 दिन, डाइवोर्स भी उनका तुरंत हो जाता है, हमारे यहाँ वो भी लंबा चलते रहता है। शादियां भी एकदम चलती रहती है। पर एक्चुअली मैं जो आपने बात कही ना जी, अगर आप देखेंगे चंद्रयान मिशन का प्रोफाइल, हाँ, धरती से चांद तक जाने में हमें भी 5-6 दिन लगे। जब मिशन लॉन्च हुआ है जी, तो कई दिनों तक, हाँ, ये आपका जो 4 जुलाई को लॉन्च हुआ मिशन, 14 जुलाई को मिशन लॉन्च हुआ है जी, 14 जुलाई से लेके आप समझिए कि 25 जुलाई तक, हाँ, अर्थ का ही चक्कर काटा है चंद्रयान मिशन ने। 25 से 31 के बीच में लूनर ट्रांजेक्शन, ये ट्रांस लूनर ट्रेजेक्ट्री जो है, लूनर इंसर्शन ट्रेजेक्ट्री हुई है, हाँ, तो उसमें 5-6 दिन का टाइम लगा है। 25 जुलाई को गया, हाँ, 1 तारीख को कैप्चर हो गया। अच्छा। अब हमने 20, अगर आप कहें कि हमने भाई ये जो 10 दिन बिताए धरती का चक्कर काटने में, ये क्यों बिताए, तो इसका रीजन ये है कि हमारे साइंटिस्ट ने एक बहुत स्मार्टनेस की कि भाई सारी एनर्जी खुद लगाने के बजाय धरती की जो अपनी ग्रेविटी की एनर्जी है उसको यूटिलाइज किया जाए।
अगर आप देखें तो धरती स्पेस में 1,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। इतनी स्पीड ऑलरेडी है धरती में, तो हम उस धरती की ग्रेविटी और उसकी स्पीड का भी फायदा उठाते हैं, यूटिलाइज करें, और उसी के लिए हम सीरीज ऑफ चक्कर काटते हैं धरती के अराउंड इन सम काइंड ऑफ, मतलब अगर आप इसको समझे तो ऐसा है जैसे बच्चे को झूला झुलाना। अगर आप झूले को सही टाइम पे धक्का दें तो हल्के से पुश में भी 4-5 बार झूला दें और वो काफी जोर से स्विंग करने लगता है। तो सही टाइम पे अगर आप उसको स्विंग में हल्का पुश देते जाएं तो स्विंग की ट्रेजेक्टरी हायर एंड हायर होती आएगी। तो वो उसी तरह के हमने 4-5 पुशेस दिए हैं इस स्लिंग शॉट टेक्निक में, और फिर जब पुश इतना हाई हो गया कि वो धरती से दूर जा सकता है तो हमने उसको छोड़ दिया। अब एक बार जब वो धरती से दूर गया और चांद से कैप्चर होने में उसको 5 ही दिन लगे, एक्चुअल टाइम उतना ही है। अब चांद पे पहुंचने पे उसको स्लो डाउन नहीं करना है। अच्छा। अगेन स्लो डाउन प्रोसेस भी अगर हम ज्यादा फ्यूल यूज करें तो जल्दी हो सकता है, पर हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ये सब एफिशिएंसी के लिए है। जी जी। और मैं दाद देना चाहता हूँ हमारे साइंटिस्ट भी जिन्होंने इस, बिल्कुल आप खुद एक साइंटिस्ट है इसरो के इस एम्बिशियस मिशन के आप पार्ट है। बहुत सही बात। मैं दर्शकों को ये ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगी कि कैसे जो बताया आकाश जी ने कैसे पृथ्वी के अक्ष को उसके डायमीटर को बड़ा करते जा रहा है और फिर कैसे एस शेप में मून के ऑर्बिट में ये इंसर्शन इसका हो रहा है। मैं ये ग्राफिक्स से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आकाश जी आपके सेकेंड हाउस पे आपके लग्नेश हैं, जो क्या आप ये सेकेंड हाउस फूड फैमिली और फाइनेंस का होता है। मून भी आपके सेकेंड हाउस में है, लिक्विड कैश आपके पास बहुत होगा, हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं। बिजार फूड हैबिट, आप मैंने सुना है कि आप बचपन में कच्चे नूडल्स को आप खाते थे। हाँ, तो क्या उसको उबाल के खाते हैं? सॉरी। तो ये भारत का स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या योगदान है, दुनिया के बाकी देशों से हमारा देश कैसे अलग है? उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ वियर्ड फूड हैबिट के बारे में। तो जब मैं अमेरिका में रहने गया तो वहां पे फ्रोजन रोटी मिलती थी मार्केट में, ठीक है, और उसको अगर पका भी लें तो कोई अच्छा टेस्ट खास नहीं आता। तो मैंने ये सोचा कि इस रोटी को क्यों ना तेल में फ्राई कर दे और फ्रोजन रोटी के भटूरे बना दे, ठीक है, बहुत बढ़िया, और फिर वो एक बड़ी अच्छी रेसिपी हो जाती थी। तो अगर आप बाहर देश में जा रहे हैं आपको भटूरे या पूरी खाना तो फ्रोजन रोटी को फ्राई कर सकते हैं। ये हमारी जुगाड़ टेक्निक जो इसरो करता है हमारे चंद्रयान मिशन के साथ, कम फ्यूल में हम कैसे पहुंचाते हैं, ये कुछ वैसी जुगाड़ टेक्निक आपने बताई। बिल्कुल, ये तो हमारे डीएनए में, आपके डीएनए हमारे डीएनए में, बिल्कुल। तो कमिंग बैक टू आपके सवाल पे, भारत का क्या आने वाले टाइम में योगदान है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, तो एक तो आप ये देखिए कि इसरो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, एंड दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ लॉन्चेस। जो सक्सेस रेट है लॉन्च का इसरो का, सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन अपने फार हायर देन मोस्ट अदर स्पेस कंपनीज इंक्लूडिंग SpaceX, इंक्लूडिंग NASA। रियली? हाँ। तो और इसीलिए आप सुनते होंगे कि भाई 50 सैटेलाइट 100 सैटेलाइट 10-10, 12-12 कंट्रीज की, क्योंकि सबको इतना भरोसा है कि हमारा लॉन्च तो कामयाब होना ही है। बिल्कुल, इसकी पूरी क्रेडिट आपके जैसे यंग बर्डिंग साइंटिस्ट को जाती है। एक मंगलायन या चंद्रायन मिशन जो भी है उसको मैंने पढ़ा था एक बार न्यूज़पेपर में कि बॉम्बे में मुंबई में जो ऑटो रिक्शा वाले प्रति किलोमीटर जो चार्ज करते हैं, तो ये अगर हम 4,00,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को निकालें तो उसका एवरेज मुंबई के ऑटो से कम आता है। तो मंगलायन या चंद्रायन में यान जुड़ा हुआ है तो उससे वायुयान वाली फीलिंग आती है, तो हम लोग इसको क्यों नहीं मंगल ऑटो या चंद्र ऑटो के नाम से इस मिशन को इंडिया में कोई भी अगर आप कभी गाड़ी भी खरीदने आते तो यही पूछते हैं कितना देती है भाई, कितना देती है। माइलेज बहुत जरूरी है, तो इसका ध्यान स्पेस मिशन में भी रखा गया है। और जैसा मैं पहले बता रहा था कि इस माइलेज की हम इसीलिए अचीव कर पाते हैं क्योंकि हमने बहुत ध्यान रखा कि धरती की अपनी एनर्जी अपनी ग्रेविटी को यूज करने, यहाँ तक कि मंगलयान मिशन में भी यही किया गया। अच्छा, हाँ, कि धरती की ग्रेविटी को जितना हो सकता है हम यूज करें। हाँ, और
हमारे यान को एक हम धरती के अराउंड एक तरीके से झूला झुलाते रहते हैं, जब तक कि वो झूला इतना तेज ना हो जाए कि वो निकल के चला ही जाए धरती की कक्षा से। ठीक है, तो उससे एक तो फ्यूल बहुत कम लगता है जी। और फ्यूल जो है आप समझिए कि किसी भी स्पेस मिशन का जो सिंगल लार्जेस्ट खर्चा है वो फ्यूल है जी। हाँ, तो फ्यूल को अगर हम एफिशिएंट कर ले तो उससे ओवरऑल कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। पर फ्यूल एक पार्ट है जी। इसके अलावा जैसा मैं कह रहा था कि हमारे डिजाइन के डीएनए में है हर चीज में कॉस्ट जी, जैसे मैं बता रहा था कि प्रज्ञान रोवर है, तो प्रज्ञान रोवर में आप चाहते तो 10-15 प्रकार के बड़े बड़े कैमरा लाइडार लगा सकते थे, या आप कोई बड़ा सा रोबोटिक व्हीकल टाइप गाड़ी भेज सकते थे जी। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई हम सिर्फ दो आंखें जैसे इंसान में दो आंखें यूज करते हैं, उन्हीं सेंसर्स को करें और ब्रेन को बहुत स्मार्ट कर दें, जो उसका प्रोसेसिंग है, उसका ब्रेन है, उसका एआई है। लेस इज मोर वाली बात। हाँ, और इस तरह की चीजों में जी एक इसरो बहुत अच्छा एक्सेल करता है। तो यहाँ पे हम जो है दुनिया को बीट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इनोवेशन। और एक बार आपसे बातचीत के दौरान आपने बताया कि यही फर्क है नासा और इसरो में, उसकी कार्यप्रणाली में, इन दोनों स्पेस एजेंसीज के। अगर आप बेसिक कार्यप्रणाली की बात करें तो आप क्या पाते हैं, क्या डिफरेंस है? कॉस्ट कटिंग, जुगाड़ टेक्निक। तो जैसे कि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक बात तो यह है कि नासा को भी दाद देनी होगी कि उन्होंने जी स्पेस मिशंस को लीड किया और काफी टाइम तक करते रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ सक्सेस रेट एंड इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मिशंस जी, तो इसरो काफी आगे। इनफैक्ट अब वहां पे कुछ तो स्पेस कंपनीज आ गई, जैसे स्पेसएक्स है जी। स्पेसएक्स के भी मिशंस कुछ मिशन उसके भी आर ऑलमोस्ट एज एफिशिएंट एज इसरो। तो ऑब्वियसली नासा को भी थोड़ा रीलुक और रीथिंक करने की जरूरत है कैसे वो अपने मिशन, क्योंकि उनके देश में भी लोग उसको सरपास कर रहे हैं। ओके, बट कमिंग बैक टू इसरो, क्योंकि इसरो का मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस है जी। मैं ये जरूर कहूंगा कि वहां पे एक जो लेवल है लोगों के डेडिकेशन का, गिवन कि उनको पता है कि हमारे कंस्ट्रेंट रहेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, स्टिल वो अपने जो है, मतलब मैं बोलूंगा कि वो अपना 200% पूरी टीम वहां पे लगाती है। और बहुत ही सिंपल कल्चर है, बहुत ही सिंपल तरह से रहते हैं हमारे साइंटिस्ट जी। और ये इस बात पर भी दाद देनी चाहिए। आकाश जी, आपने जैसा बताया चंद्रयान 1 में ही हमने पता लगा लिया कि चंद्रमा पर पानी है, और तो जब इस बहुत एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वाटर, तो जब हमने जान लिया कि वहां पानी तो है, तो अब आगे का रोड मैप क्या है? पानी तो अब वहां बर्फ है ही जी, तो अब बस आपको एक सोडा की बोतल चाहिए और फिर हम ऐसे कुछ ड्रिंक बना के पियेंगे वहां पे। तो मुझे लगा आप चटना भी बोलेंगे और चार दोस्त और चार यार मिल जाए बस जी। चंद्रयान 3 से हम क्या एक्सपेक्ट करें? तो देखिए, अगर पानी मिल जाता है तो सबसे बड़ी खास बात है कि जहां पे पानी हमें मिला वहां पे वी माइट ऑल्सो एक्सपेक्ट साइंस ऑफ लाइफ। ओके, हो सकता है एलियन लाइफ नहीं हो बट माइक्रोबियली लाइफ हो जी, और ये साइंस जो है बड़े इंपॉर्टेंट है ढूंढने, क्योंकि इससे पता चलेगा कि भाई लाइफ कितना फ्रीक्वेंट या कितना कॉमन हो सकती है जी। और एक और खास बात है कि हम जा रहे हैं लूनर साउथ पोल पे जी, जहां पे कि अभी तक कोई गया नहीं, सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती वहां पे, हम उसको धरती से डायरेक्टली देख भी नहीं सकते नहीं। और वहां पे पानी होने की संभावना ज्यादा है। अच्छा, तो इस मामले में चंद्रयान 3 का एक मुख्य उद्देश्य है कि उस रीजन को एक्सप्लोर करना, वहां पे कौन किस प्रकार के खनिज है, किस प्रकार और कितना पानी है। तो अगर आकाश जी, पानी अगर वैसे बहता हुआ पानी हो लिक्विड फॉर्म में, तो कैसे लैंडिंग कैसे होगी फिर? पानी लिक्विड फॉर्म में होने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा। पानी जो है वो आइस होगा जी, और आइस पे उतर सकता है। हाँ, आइस होगा, वो भी आइस, ऐसा नहीं कि चारों तरफ आइस होगा। हाँ। लेकिन हाँ, कुछ क्रेटर्स में हो सकता है आइस भरा हो। ओके। कुछ क्रेटर्स में आइस हो कुछ, और फिर भी ज्यादातर जगह पे पानी नहीं होगा।
पर ये है कि हम जहां पे उतरेंगे लूनर पोल पे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां आसपास इक्वेटर्स में आइस हो, पानी हो, और या फिर वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, अच्छा, वेपर के फॉर्म में। ये जैसे चंद्रमा को कहते हैं कि सूर्य से 400 गुना छोटा है और सूर्य से 400 गुना ज्यादा नजदीक है पृथ्वी से, तो इसलिए शायद हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो दोनों चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साइज के दिखते हैं। ज्योतिष पे भी हम लोग सूर्य और चंद्रमा को बहुत महत्व देते हैं। 9 प्लैनेट्स पे कुंडली के 35% हम चंद्रमा और सूर्य को, लुमिनरीज को ही देते हैं, बाकी के 65% पे 7 प्लैनेट्स आते हैं। तो ये बताइए कि हमने बहुत सारी शेरो शायरी सुनी है चंद्रमा के लिए, प्रेमियों की विरह को देखा है, प्रेमी अपने प्रेमिका का चेहरा चंद्रमा में देखता है, तो क्या चंद्रमा की उपस्थिति, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें, तो क्या इसकी उपस्थिति पृथ्वी पर जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है या बस एक ऐसे खगोलीय पिंड वहां पे घूम रहा है? बिल्कुल, पृथ्वी पे जो मौसम है और पृथ्वी का जो एक्सिस है जी, उसको चंद्रमा ही स्टेबलाइज करता है। तो जैसे पृथ्वी आपको पता होगा कि 22.5 डिग्री पे झुकी हुई है, टिल्ट है। इस टिल्ट के बावजूद पृथ्वी एक इस तरह से लट्टू के आकार में भी एक चक्कर लगाती है। इस चक्कर को करने में करीब 26,000 साल लगते हैं। 26,000 साल, इनफैक्ट कुछ हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि 26,000 साल एक महायुग की अवधि है। तो शायद वो यही शायद कि धरती का ये जो थर्ड जो एक मूवमेंट है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, पर इस एक्सिस को स्टेबलाइज चंद्रमा ही ग्रेविटी करती है। अगर चांद नहीं होता तो धरती शायद बहुत तेज तेज लट्टों की तरफ मूव कर रही होती, और उस बॉबल के वजह से धरती पे ना तो सीजन स्टेबल होते, ना ही मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल होती। मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल नहीं होती तो धरती पे बहुत सारे आयंस बॉम्बार्ड कर रहे होते और उसके वजह से फिर अगेन लाइफ मुश्किल हो जाती है। एक तो दूसरा, धरती पे जो ओशन करेंट्स हैं और विंड करेंट्स हैं, उनको चंद्रमा काफी रेगुलेट करता है। जैसे चंद्रमा जब धरती के पास होता है या जब धरती के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होता है तो टाइड्स आती है। और ये टाइड्स आती है बिकॉज चंद्रमा इतना पास है कि जब वो धरती के बिल्कुल क्लोज होता है तो चंद्रमा का जो धरती का क्लोजेस्ट पॉइंट है चंद्रमा से, उस पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रेविटी फील होती है कंपेयर टू जो पॉइंट धरती थोड़ा सा दूर है चंद्रमा से। इसके वजह से जो पॉइंट क्लोजेस्ट है वहां पे पानी ऊपर उठ जाता है, वो चांद को छूने की कोशिश कर रहा है एक तरीके से। तो ये जो टाइड्स हैं इनसे भी ओशन करंट्स गवर्न होते हैं और इससे विंड करंट्स गवर्न होते हैं, और अगेन ये वेदर पैटर्न्स पे इफेक्ट करता है। तो आप समझिए कि चंद्रमा के बिना धरती बहुत ही एक वॉबली सी जगह होती, अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता, अनप्रिडिक्टेबल करंट्स होते, और शायद इतना कंड्यूसिव नहीं होता स्पेशली फॉर स्टेबल इंटेलिजेंट लाइफ। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई आकाश जी, क्योंकि अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो चंद्रमा को मन का कारक, चंद्रमा मन सो जातक बोलते हैं, और अमावस्या या फुल मून के समय हम या तो बहुत खुश होते हैं या बहुत उदास, कुछ भावनाएं, चूंकि मानव शरीर भी 70% पानी है तो वो ग्रेविटेशनल पुल हम भी फील करते हैं क्योंकि हम भी इस ब्रह्मांड के ही एक पिंड है। तो ये साइंस भी इस बात को मानता है, और कितना ज्योतिष और साइंस एक पॉइंट पे दोनों में मैथक्य है, एक ही मत रखते हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात में चलते चलते और पूछना चाहूंगी, क्या कहा जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है और लाखों हजारों साल पहले हमारे सौर मंडल में कुछ ऐसी घटना हुई, कोई ऐसा एक पिंड टकराया जिससे हमारे सौर मंडल में काफी उलट फेर हो गया, यूरेनस अपने एक्सिस पे साइडवर्ड घूमने लगा, वीनस उल्टा घूमने लगा, बाकी ग्रह वेस्ट से ईस्ट की ओर लेते हैं चक्कर, वीनस ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है, और ये जुपिटर और मार्स के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट बन गया, वो कहा जाता है कि वो या तो जुपिटर का ही टुकड़ा है या कोई और प्लैनेट था जो चकनाचूर हो गया और वो घूम रहा है, तो क्या ऐसी बात आप कुछ प्रकाश डालिए? तो चंद्रमा के ओरिजिन पे जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो यही है कि एक पिंड जो कि समझिए कि छोटे से प्लैनेट के साइज का था जी, और वो धरती से टकराया, ठीक है,
और धरती से टकरा के उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए जो वापस धरती के चारों चक्कर काटने लगे। ओके। और फिर उसमें से कुछ पार्ट तो धरती में अब्सॉर्ब हो गया और कुछ जो पार्ट चक्कर काट रहे थे वो फिर से अपनी ही ग्रेविटी से श्रिंक होके चांद का फॉर्म ले लिया। इंटरेस्टिंग बात यह कि जब चांद बना तो उसकी दूरी धरती से करीब आधी थी जितनी अभी है। अभी 3 लाख किलोमीटर है, उस समय करीब 1.5 लाख किलोमीटर थी। ये दूर जा रहा है चंद्रमा? दूर जा रहा है, हर साल 3-4 सेंटीमीटर दूर रहता है चंद्रमा। और आने वाले फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे शायद इतना दूर चला जाए कि धरती की ग्रेविटी से ही बाहर निकल जाएगा, बट उसमें कई करोड़ साल है। मैं चिंतित हो गई कि अभी आपने बताया कि चंद्रमा इतना इम्पोर्टेंट है, अभी आप बता रहे हैं कि वो दूर चला जा रहा है। आकाश जी, आपकी कुंडली के बारे में मैं पुनः एक बात कहना चाहूंगी कि आपके 4th हाउस के लॉर्ड और आपके लग्नेश एक ही हैं। आपको होम कमिंग कितना अच्छा लगा? आप कैसे विदेशी धरती पर थे तो हर दिन आप घंटे दिन महीने गिनते थे कि कब घर वापस करना है और यहाँ मैं इस विदेशी धरती पर बूढ़ा होना नहीं चाहता। आप जेमिनाई, आपकी राइजिंग साइन है, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी आप में ये बचपना और ये उत्साह ऐसा ही बना रहेगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर समय भाव नहीं रहता तो मैं इस बातचीत को और आगे बढ़ाती और खगोल और ब्रह्मांड के बारे में आपकी जो ललक है उससे थोड़ी और लाभान्वित होती। चलते चलते आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे, कुछ बात जो पूछनी रह गई हो, कोई बहुत इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन चंद्रयान मिशन या हमारे ब्रह्मांड से? तो एक इंटरेस्टिंग बात जरूर मैं बताना चाहूंगा ब्रह्मांड के बारे में कि साइंस की भी एक थ्योरी है और कुछ हमारे शास्त्रों में भी ऐसा है कि आप ये मान कि ऐसा हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड अनादि है, मतलब इसका कोई बिगनिंग नहीं है और अनंत है, इसका कोई एंड ही नहीं है, इनफाइनाइट है। पर ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि ऐसे और इसी प्रकार के इनफाइनाइट और ब्रह्मांड हो सकते हैं जिसमें से हर एक ब्रह्मांड अपने में इनफाइनाइट है। तो इससे मुझे सिर्फ ये याद आता है कि हमारे शास्त्र में भी एक श्लोक है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। हाँ। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। मतलब कि पूर्ण कह लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए या इनफाइनाइट कह लीजिए, मतलब कि ये वर्ल्ड इनफाइनाइट है और वो वर्ल्ड भी इनफाइनाइट है। और इस इनफाइनाइट में से वो इनफाइनाइट निकला है और इस पूरे के पूरे इनफाइनाइट को निकालने के बाद भी पूरा का पूरा इनफाइनाइट बचा हुआ है। तो आप समझिए कि कुछ इसी तरह से ब्रह्मांड की संरचना है, मैथमेटिक्स के सारे नियम को डिफाई करता है हमारा ब्रह्मांड। बिल्कुल। आकाश जी सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं, आप उनके घर में एक बहुत ही रिच लाइब्रेरी है जहाँ हमारे पुराण, उपनिषद, गीता, अपने स्क्रिप्चर्स पे भी इन्होंने बहुत स्टडी की है। कभी आपसे आध्यात्म के बारे में भी जरूर चर्चा करूंगी। आज आपसे विदा लेती हूँ। दर्शकों से आग्रह करूंगी, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और लाइक बटन को हिट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलती हूँ आपसे, भविष्य में बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी, तब तक आज्ञा दीजिए। अच्छा हेना जी, एक सवाल है जी। हमने सुना है कि आप ये जो इतना पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी चैनल चलाती हैं और इसमें हजारों आपके सब्सक्राइबर्स हैं और फैंस हैं और इसको चलाने के लिए, पर हमने सुना है कि आपने एक बहुत ही बड़ी सी टीम रखी हुई है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, साउंड, कैमरा, एडिटर, कंसिस्टिंग ऑफ 1 पर्सन। बिल्कुल सही सुना है आपने आकाश जी। तो इस बात की भी दाद देनी चाहिए कि इतना अच्छा आप कर रही हैं और हमारी बहुत शुभकामनाएं है, आप इसी तरीके से नॉलेज स्प्रेड करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस आकाश जी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।